नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, धन के अभाव में हमारी जिंदगी नरक जैसा हो जाते हैं। मन में काफी तो इच्छा होती है कि इन चीजों को खरीद ले, हम ऐसे चीजों को खरीद ले, घर में गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन हमारी इच्छा पूरे नहीं हो पाते। लेकिन दोस्तों, आप जो है कुछ तांत्रिक चीजों को रख करके अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। ये तांत्रिक चीजें घर में धन खींचने का काम करते हैं, हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं। हमारे पास में आज जितने तांत्रिक चीज हैं सारे आज के इस वीडियो में बता रहे हैं दोस्तों, और इसे आप भी अपने घर में रख के धन धान्य की वृद्धि कर सकते हैं। ये सब जानकारी बताने से पहले, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये धन वर्षा करने का काम करते हैं, ये सारे चीजें धन खींचने का काम करते हैं। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको सुलभ हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो बिल्कुल अपने पास में रखना शुरू कर दें। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा मेरे पास में क्या है। देखिए, सबसे पहले देख लीजिए, ये चीज है हत्था जड़ी। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हत्था जड़ी ये चामुंडा का स्वरूप होता है। दोस्तों, ये दुश्मन को भी ना मित्र बनाने में काफी, मतलब एक ही बार में अगर हाथ जोड़ करके इस चीजों को रख करके दुश्मन के पास जाएंगे तो वो भी मित्र जैसा बन जाती है। तो हत्था जोड़ी क्या करते हैं, अगर आप अपने से जो है धन वाला गल्ले में रखते हैं, पेटी में रखते हैं, तो ये धन खींचने का काम करता है। पहला ये हत्था जड़ी, ये धनवान बन, आपको धनवान बना देंगे निश्चित रूप से दोस्तों, ये आपको धन धन से संपन्न कर देंगे। आपको सिद्ध किया हुआ हत्था जड़ी इस प्रकार से रखना होता है। ये पहला देख लीजिए हत्था जड़ी है। दूसरा मैं चीज दिखा देता हूं दोस्तों, ये अंदर में है, ये है सियार सिंगी। इस प्रकार से देख लीजिए सियार सिंगी। दोस्तों, ये माँ काली का स्वरूप होता है। सियार जो होता है जिसमें माँ चंडी, माँ काली निवास करती है, इसलिए बैठती है, इसलिए सियार सिंगे ये धन वृद्धि का काम करता है। ये बंधन को भी खाता है। अगर आपके पास में सियार सिंगे तो जिंदगी भर कभी भी आप निर्धन नहीं रहेंगे। ये धन खींचने का काम करता है, हर मार्ग में आपकी मदद करेंगे, और ये हमेशा धन धन से आपको संपन्न बनाए रखेंगे। जब तक ये पास में रहेंगे कभी आप निर्धन नहीं होने वाले। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये है काली हल्दी। हम कई वीडियो में बोलते हैं कि मित्रों, काली हल्दी अपने पास में रखा करें। ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है, ये भी धन वृद्धि करने का काम करते हैं। जिसके पास में काली हल्दी रहता है वो कभी भी निर्धन नहीं होता, हमेशा वह धन धन से संपन्न रहता है। बस इसे जागृत करके रखना होता है। इसके बाद ये देख लीजिए दोस्तों, ये है पूजा के चावल। हमने नवरात्रि के समय में जो पूजा की थी वे चावल इस प्रकार से रखते हैं, क्योंकि ये भी धन वृद्धि करने का काम करते हैं। ये अच्छा था, अगर ये आपके पास में होता तो कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि 9 दिन को भीतर में जागृत हो गए होते हैं नवरात्रि में पूजा करते हैं तो, और ये धन वृद्धि करने का काम करते हैं। अगर इसके एक दाने चावल में मिला दे तो जिंदगी भर धन की कमी नहीं होती। इसके बाद दोस्तों, ये हम चीज दिखा रहे, देख लीजिए तेल के जैसा है, ये अंकोल का तेल है। अंकोल के तेल से आप जो है देवी देवताओं को देख सकते हैं, जमीन में गड़ा हुआ धन देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर अंकोल का तेल का तिलक लगाते हैं तो ये बुद्धि को प्रखर करता है, ये धन वृद्धि करने का काम करता है, ये भी धन खींचता है। इसके बाद हम आप सभी मित्रों को दिखाना चाहेंगे ये चीज, ये काजल है दोस्तों। इस प्रकार से दिखाते हैं, ये जमीन में गड़ा हुआ काजल, मतलब जमीन में जो दबा हुआ धन उसे देखने के लिए इस काजल का प्रयोग होता है। तो ये सिद्ध अंजन है, अगर इसे लगा करके जमीन में दबा हुआ खजाना देखने के प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। ये सारे चीज हमारे पास होते भी हम आज तक इसका दुरुपयोग नहीं किए। इसके बाद हम और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, पूजा में अक्सर लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से जो माला होते हैं दिखाने की कोशिश करें, देख लीजिए। इस प्रकार से माला जो होते हैं पूजा में, जैसे माँ हम माँ चामुंडा को अर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी को, तो इसे लोग जो विसर्जित कर देते हैं। ऐसा मत किया करें, अगर ये आपके पास में रहेंगे, गल्ला में रहेंगे, तो हमेशा आप जो धन धन से संपन्न रहेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये धन वृद्धि करने का काम करते हैं। छोटे छोटे चीजों को हमें समझना जरूरी है। तो आप जो तांबे में अंकित इस प्रकार से माँ दुर्गा का स्वरूप अपने पास में रखें दोस्तों, ये भी धन वृद्धि करने का काम करती है। अब ये नॉर्मल हल्दी है, नॉर्मल हल्दी पूजा पाठ में जो प्रयोग हुआ रहता है वो भी धन वृद्धि करने का काम करते हैं। अगर ये आपके पास में गल्ला में रहेंगे तो कभी भी जिंदगी में आपको धन का अभाव नहीं होगा। तो मेरे आज वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ये चीजों को अपने पास में रखें। सारे चीज नहीं मिल पाते तो कुछ चीजों को अवश्य रखा करें, इसे ठंडे मत करें, पानी में विसर्जित मत करें, ये धन वृद्धि करने का काम करते हैं। जब तक ये पास में रहेंगे आपके कभी भी आपको धन का अभाव नहीं होगा, हर मार्ग से धन आना शुरू हो जाते हैं, आपकी मदद जरूर किया करेंगे। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं दोस्तों, इसे जल में विसर्जित करने के बजाय आप अपने पास में रखें धन वृद्धि करने के लिए। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।